देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरण राज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं, बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र ना करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरण राज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरण राज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। उठ, जाग, खोल अपनी आंखें, खुद देख, पाप से जलती हुई धरती को देख, हत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख, बाहर निकल इस पत्थर की मूरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहां शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाली विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी। और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी पुस्तलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं
कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरे मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SPU Udaipur. All the best. Thank you, sir. हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी, जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया, ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। ए, आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? ले पी ले। पी लू? हाँ पी ले। पी लू? पी ले। पी लू? हाँ पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी, खबरदार जो मुझे माँ जी कहकर पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात सुनिए। निकल यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था, मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक, आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रहे तुम? गॉड ब्लेस यू। निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। We'll be right back.
दया परेड मंसूब रही। सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वाह! अरे अरे मुनि राजू कैसे हो? बुआ इतने दिन हमसे मिलने क्यों नहीं आई? राजू बुआ तो हमसे रुट गई। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नसीब ही मुझसे रुट गए हैं। किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है मुझसे। बुआ आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ भाभी, अच्छी हूँ। मैं तो समझी थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते, हम सब जो है तुम्हारे, देखो सभी तो है। भैया कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छे है ना? देखो किसी चीज की जरूरत हो तो मांगने के लिए हिचकिचाना मत। सब कुछ तो है मेरे पास, बस। अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी खाना खाकर जाओ ना। नहीं तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया है। फिर किसी दिन आऊंगी। अच्छा चलो। नहीं मम्मी हम बुआ के पास रहेंगे। मम्मी प्लीज, मम्मी हम कल आ जाएंगे। बेटे कल स्कूल है, फिर कभी आएंगे। चलो चलो। अच्छा बुआ हम जाते हैं। अच्छा। बाय बाय बुआ। बाय बाय। अच्छा। अभी होते हैं दर्शन। हाँ नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आओ आओ नारी समाज के सेवक, आओ बैठो। आओ आओ, आओ। अरे शाबाश। हाँ अपने घर जैसा ही है। क्यों क्या कष्ट है भाई मुरलीधर? कष्ट ये है कि इनको अपने लोटस मैटरनिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी चाहिए। अरे नौकरी क्या, तुम कहो तो इसे हॉस्पिटल की मालकिन बनवा दें। धन्यवाद, मैंने कहा था ना आपका काम हो जाएगा। सर जरा आप एक टेलीफोन कर दें तो इनका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मगर मैं भाई ये आपके घर जैसा है, साहब आपका काम कर देंगे, हैं? चिंता ना करें, चलता हूं। अरे तुम घबराओ मत, फिकर मत करो, तुम्हारी नौकरी के लिए अभी मैं हेल्थ मिनिस्टर को फोन कर देता हूं। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आजा आजा, नौकरी ऐसे ही मिलती है, आजा। सुनिए ये आप क्या कर रहे हैं? अरे पुण्य का काम कर रहा हूँ, तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूँ। अरे अगर शर्म आती होती तो इस पोजीशन पर कैसे पहुंचते हैं? अरे इस पर घबराने की क्या बात है मेरी जान? अरे क्या हुआ, किसने की तुम्हारी ये हालत? नौकरी देने के बहाने नेता विशंबर प्रसाद ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये मजाल, भोली भाली जनता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है? कोई बात नहीं,
चलो आओ मेरे साथ।